नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई, अब कुवैत का तो एक एक टॉपिक है मेरे पास, बाकी हर कंट्री की यही स्थिति है कि लोग फंसे हुए हैं, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, हमें निकाल नहीं रही है, गवर्नमेंट पैसे वालों को निकाल रही है, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसका क्या कारण है? सबकी सब फ्लाइट उधर केरला की तरफ जा रही हैं। जी हाँ साथियों, उस पर तो मैं अलग से बात करेंगे क्योंकि वो लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। एक वीडियो वायरल हो रहा था, मेरे व्हाट्सएप पे भी लोगों ने भेजा था, कुवैत से, कुवैत का वीडियो है। बहुत सारे लोग उसमें खड़े हैं, बोल रहे हैं कि हमें इंडिया आना है, जबकि कुवैत गवर्नमेंट फ्री टिकट दे रही है सब लोगों को। शायद कोई वर्ल्ड में कोई कंट्री ऐसी होगी जो टिकट दे के लोगों को कह रही है कि ये टिकट लो और आप जाओ। और पहले भी कुवैत दे रही थी, इलीगल वर्करों को आउट पास लगा के दे रही थी, बिना ब्लैकलिस्ट किए टिकट भी दे रही थी कि आप घर जाओ। ये सच्चाई है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उनको नहीं निकाल रही है उनके हिसाब से, क्योंकि हालांकि निकल रहे हैं बंदे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन हिसाब से तो बहुत कम निकल रहे हैं यार। 7 दिन में 2, 3, 4, 5 फ्लाइट, कितने बंदे आ जाएंगे? 1,000-2,000 बंदे आ जाएंगे, तो उनसे तो पार नहीं पड़ने वाली, जबकि बंदे बहुत बैठे हैं। कुवैत गवर्नमेंट टिकट दे रहे, इससे मजदूरों को और क्या यार अच्छी बात है? 20-25-30 हज़ार की टिकट है कुवैत की, कम से कम 30 हज़ार के करीब टिकट आ रही है, तो गरीब आदमी को 30 हज़ार की टिकट फ्री में मिल रही है, इससे बेहतर और उनके साथ क्या हो सकता है? लेकिन भाई, वो राजस्थान का एक बंदा था, ये पहली बार होने जा रहा है, दो बार मैं न्यूज़ पढ़ चुका हूँ, रात को भी मैं पढ़ रहा था किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे, उससे पहले भी 5-7 दिन पढ़े, लेकिन मैं बोला नहीं क्योंकि मेरे पास उस चीज़ को मैं ठोस नहीं मान रहा था। मैं सोचूं कि गहलोत जी के मुंह से सुन लूं मैं, लेकिन भाई गहलोत सरकार जहाँ पैसे लोगों के लग रहे हैं वो क्यों बोलेंगे? लेकिन सच्चाई है कि गहलोत सरकार ने बोल दिया कि पैसे क्वारंटाइन के टिकट का तो आपका है ही है, क्वारंटाइन का पैसा आपका लगेगा, प्लस जो मेडिकल टेस्ट होंगे उसका पैसा भी आपका लगेगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है आप अपने स्तर पर भी ट्राई कर सकते हैं, साथ में वो वीडियो देख लीजिए कि आप लोगों को भी साथ में जरूर शेयर करें उन लोगों तक, ताकि लोगों तक ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा पहुंचे कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। ठीक है साथियों, ये वीडियो है कि भारत सरकार के प्रति रोष है और केंद्र सरकार के प्रति या अपने लोकल राज्य सरकार के प्रति कि भाई हमें निकाला क्यों नहीं जा रहा है, हम फंसे हुए, हमें निकालो। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एक टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है उससे रिलेटेड। तो आप वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज भी जरूर लाइक कर लें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। हमको भी बाहर छोड़ देते, कहीं ना कहीं टिकट लेके हम भी जाते थे, किसी से भी लेते, उधार करते, हमको बंद क्यों करवाया आपने? पहले अगर बंद करवाए तो आज तक आप नजर में नहीं आ रहे, फिर दूसरे कैसे आ रहे? ये क्या हिंसा नहीं है? उनके घर पे परिवार नहीं है, उनके कोई बच्चे वगैरह, उनके माँ बाप नहीं है, उनकी परिस्थिति खराब नहीं है, उनका कोई इंतजार नहीं कर रहा? हम हमारे वतन आना चाहते हैं, बस हमारी माँ के गोद में आना चाहते हैं, यहाँ नहीं मरेंगे, मरेंगे तो हमारी माँ के गोद में। इस सबका जवाबदार ओनली फॉर मोदी सरकार और केंद्र सरकार रहेगी। क्यों हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ कर रही है? हमें कौन सा गुनाह किया? गुनाह यह किया हमने आपको वोट दिया और प्रधानमंत्री तक वहां बिठाया। हम बस आपसे अपील करते हैं, जितना हो सके इतना जल्दी हमें यहाँ से उठाओ। क्यों नहीं उठा रहे हो आप? नहीं उठा रहे हो तो रोक क्यों रहे हो? आपका कोई हक नहीं बनता हमें रोकने का? हम इंडिया के हैं, हमारी नागरिकता है, हमारी जन्मभूमि है, हम मरेंगे तो वहां मरेंगे और जाएंगे तो भी वहां जाएंगे, आप क्यों रोक रहे हो हमें? कुवैत गवर्नमेंट हमें इतना सपोर्ट दे रही है, अपने खर्चे से हमारे घर तक भेजने का दावा कर रही है, फिर भी आप क्यों रोक रहे हो? आप तो चाहते हो तो मेडिकल ले लो, मेडिकल लेके हमको उठाओ यहाँ से, जो मरीज है उसको छोड़ो, उसका ट्रीटमेंट करो, आपको चाहिए तो करो, नहीं तो वो भी कुवैत गवर्नमेंट करेगी, और जो चाहिए उनको तो फैलाओ, सबको मौत के घाट क्यों उतार रहे हो? क्यों मार रहे हो? महीना भर हो गया, अभी तक आपकी कोई सुनवाई नहीं है, कब तक करोगे आप सुनवाई? अभी तक आप क्यों नींद में हो? क्यों आपके कानों में, आंखों में कहीं ये बात नहीं आ रही है? ओनली फॉर साउथ ही दिखा आपको, सबसे पहले कुवैत एम्बेसडर हटाओ यहाँ से, नहीं चाहिए, एक नंबर कमी है आदमी, ये आदमी नहीं चाहिए, और विदेश मंत्री भी नहीं चाहिए, ऑल बेस्ट पूरे भाइयों को बोलता हूँ, ये दो आदमी नहीं चाहिए, बिल्कुल व्यक्तिगत बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे हैं, और मोदी सरकार को बोलता हूँ, राजस्थान सरकार गहलोत कहाँ सोया हुआ अभी तक? इसलिए आपको वहां सीट दी थी हमने, जल्दी से जल्दी इस बात का निर्णय लो आप, लॉकडाउन 6 महीने तक कर दो, हमें कोई परवाह नहीं है, जिंदगी भर लॉकडाउन रखो पूरे राज्य में, लेकिन हमें उठाओ क्यों बंद केंद्र कर रखा? हमारे घर वालों की हालत क्या हो रही है पीछे? किसी का घर का एक ही दीपक है, एक ही बेटा है, किसी ने अपने घर से जमीन जायदाद खेती बाड़ी रकम भाव सब कुछ बेच के बेटे को यहाँ कुवैत भेजा। आज वो इस परिस्थिति में हो सकता है घर गया या नहीं गया, उसकी डेड बॉडी भी नहीं जा रही है, तो फिर कब तक ले जाओगे? क्या होगा उसके साथ, उस परिवार का क्या होगा? आप दोगे उसको खर्चा? आप जीते उनको करोगे? अहमदाबाद जाके डेड बॉडी वापस आ रही है, अभी तक आप नहीं ले रहे हो, क्या कर रहे हो फिर आप? है कोरोना से तो मरेंगे जब मरेंगे, इसके पहले लोग वैसे मर रहे हैं, वैसे शिकार हो रहे हैं, कोरोना से क्या मरे? आप मारे लोगों को